अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं दही मसाला मिर्च, जो कि बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनने वाली है। हमने ली है एक पाव मिर्च, आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। हमने एक पाव मिर्च ली है, उसको धो के सुखाना है आपने और साफ़ कर लेना है। उसके बाद आप बीच में से उसको धो करके, यानी कि उसमें कट लगाएंगे तो हर मिर्च धो हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपने मसाला लेना है, आमचूर पाउडर लेना है आपने, कुटी सौंफ लेनी है, खुटा धनिया, लेमन, चाट मसाला, हल्दी और कड़ी पत्ते के कुछ लीव्स लेने हैं आपको, ठीक है। मसाला आप गौर से देख लीजिए, मैंने टैगिंग पीछे भी कर दी है, आप बैक कर सकते हैं। ये हमने ली है कलौंजी, पिसे हींग, ज़ीरा और राई दाना। ये चार चीज़ें आप अलग से यहाँ पे ले लेंगे और इसके लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर याद नहीं रहे आपको तो। ये मसाले हैं, स्पाइसेस एक बार फिर देख लीजिए जो कि हमें चाहिए होंगे मिर्चें बनाने के लिए। इसके लिए हमें चाहिए हाफ़ कप दही, क्योंकि दही वाली मिर्चें हैं तो हाफ़ कप दही चाहिए। और हमें मिर्चें, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, एक बार आप देख लीजिए। अब एक फ्राई पैन ले लेंगे आप और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। मिर्चें बनाने के लिए आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना, उसको हल्की आंच पे रख देंगे। जब उस देखें आपके ऑयल गर्म हो गया है तो उसके अंदर आप ज़ीरा और राई दाना डाल देंगे। ज़ीरा और राई दाना डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे ला के इसको भूनेंगे। जब ये भुन जाए अच्छी तरह से, आपको लगे कि ये भुन चुका है, चेक कर लीजिएगा 2-3 बार चम्मच चला के। उसके बाद आप इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालेंगे। अब आप इसमें, ये भुन चुका है, अब इसमें डालेंगे हींग, कलौंजी और कड़ी पत्ता। ये तीनों चीज़ें डाल के आप इसको अच्छी तरह भूनेंगे और कड़ी पत्ता जब तक हो जाएगा थोड़ा सा कड़क, उसके बाद आप इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देंगे। और हरी मिर्चों को आपने 1 मिनट तक चलाना है। अगर आप चलाएंगे नहीं तो ये लग भी जाएंगी और आँच भी आप मीडियम कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे हरी मिर्चें अपना कलर चेंज करने लग जाएंगी, वो ग्रीन से थोड़ी डिम टोन पे आ जाएंगी, तो इसका मतलब है कि वो गलने लग गई हैं। थोड़ी देर आप इसको ऐसे ही चलाएंगे। उसके बाद आप इसमें बाकी सारे स्पाइसेस डाल देंगे जो आपने एक प्लेट में निकाल के रखे थे, वो सब डाल के आप इसको भी भूनेंगे अच्छी तरह से। पॉइंट पे आके आप जब देखेंगे तो मिर्चों का कलर चेंज हो चुका है, तो आप इसमें जो हाफ लेमन आपने निकाल के रखा हुआ था वो डालेंगे। इसके अंदर पूरा निचोड़ लीजिएगा, बीज नहीं डालिएगा उसके, बस इसमें आपने उस लेमन जूस डालना है। उसके बाद आप इसके अंदर दही डाल देंगे। दही डाल के आपको फ़ौरन ही चलाना है और हल्की आँच कर देनी है ताकि उसका पानी जो है वो फ़ौरन खुश्क होने लग जाए और उसके अंदर जो है वो पानी ना रहे। दही डालने के बाद आप इसको 2 मिनट तक ढक दीजिएगा। ढकने के बाद जब आप देखेंगे तो इसका पानी खुश्क हुआ हुआ होगा और ये इस कंडीशन में आ जाएगी। ये हमारी डन हो गई है मिर्चें और इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है। जब आप बनाएंगे तो आपको ट्राई करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये था आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।